हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, आज की ये वीडियो टैली प्राइम को लेकर के बना रहा हूँ। टैली प्राइम के अंदर खास बात क्या है, आइए दिखाता हूँ। सबसे पहले टैली प्राइम को ओपन करते हैं। सवाल वही बना हुआ है जैसे कल मैंने वीडियो अपलोड करी थी, तो उसमें कुछ दिक्कत है तो उसी को लेकर के आज ये फिर वीडियो अपलोड कर रहा हूँ, ठीक है। तो जब भी आपको पेमेंट करने में या पेमेंट रिसीव करने में समस्या आए तो ये वीडियो उसी के लिए है, ठीक है। या तो पेमेंट आप कर रहे हैं तो उसमें समस्या है, तो कोई एक कंपनी हम चाहे तो बना सकते हैं। तो यहाँ से क्रिएट कंपनी पर जाकर के एक न्यू कंपनी हम बना लेते हैं। तो यहाँ पर न्यू कंपनी का नाम मैं रख देता हूँ myownshop.com, ये इसी नाम से मान लीजिए हमने कंपनी बना ली। अब एंटर करके यहाँ पे एड्रेस डालेंगे तो ये आपका एड्रेस हो जाएगा। और एड्रेस होने के बाद जैसे ही आप एड्रेस डालेंगे तो एंटर करेंगे यहाँ पे स्टेट कई लोग छोड़ देते हैं। तो जब स्टेट छोड़ देंगे, कंट्री छोड़ देंगे, तब तो दिक्कत होगी ना, तब तो आपका जीएसटी नहीं आएगा, ठीक है। ध्यान रखिएगा, स्टेट चूज करना बहुत ही ज्यादा कंपलसरी है। तो हम यहाँ अपना स्टेट चूज करते हैं, बाकी लोकल एरिया का पिन कोड डालिए, यहाँ पर एंटर करते हुए पूरी डिटेल भर लीजिए। यहाँ पर आएगा कि फाइनेंशियल ईयर कब से शुरू होता है, तो हमारे इंडिया में 1 अप्रैल से ही शुरू होता है, ठीक है। अगर बात करें यूएई, सऊदी अरेबिया की, तो इन सब जगहों पर 1 जनवरी से ही फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर आपका कार्य कब से शुरू हो रहा है वो डेट यहाँ पर आती है, ठीक है। तो जैसे मान लीजिए हमारा काम 1 मई से शुरू हो रहा हो तो यहाँ पर 1 मई वाली डेट आ जाएगी। एंटर करके इसको एक्सेप्ट करा लीजिएगा। जब एक्सेप्ट करा लेंगे तो ये इस तरीके से एक और विंडो खुलेगी। अब यहाँ पर कौन कौन सी चीजें आपको एक्टिवेट करनी है, सबसे पहले तो जीएसटी एक्टिवेट करना है। तो यहाँ पर आकर के इसको यस कर दीजिएगा। यस करने के बाद आपका जो स्टेट है उसका नाम आएगा। आप कंपोजिशन डीलर हैं या रेगुलर डीलर हैं ये सब देखते हुए आगे बढ़िएगा। इस ऑप्शन को नो रखिएगा, एसईजी ऑफ अदर टेरिटरी, ठीक है। बाकी यहाँ पर आपका जो जीएसटी आईएन है वो आ जाएगा। और एंटर करके फिर मंथली यहाँ रखिएगा। एंटर करते हुए इसको एक्सेप्ट करवा लीजिएगा। इस ऑप्शन को अगर आपने नो नहीं किया तो आपका जीएसटी नहीं कैलकुलेट होने वाला है, तो ये ध्यान रखिएगा। इस भी ऑप्शन को, यानी सेकेंड ऑप्शन जो दिया गया सेट ऑब्लिक अल्टर कंपनी जीएसटी रेट एंड अदर डिटेल्स, इसको भी यस जरूर कर दीजिएगा। यस करिएगा तो एक और विंडो ओपन होगी। अब यहाँ पर 3 ऑप्शन आपको दिखेंगे जब शो मोर पे क्लिक करेंगे तो वैसे तो 2 ही दिख रहा है। पहला ऑप्शन है स्पेसिफाई डिटेल्स हियर, दूसरा ऑप्शन है यूज जीएसटी क्लासिफिकेशन, और तीसरा ऑप्शन है स्पेसिफाई इन वाउचर। तीनों तरीके से आप जीएसटी कैलकुलेट कर सकते हैं, आप स्वतंत्र हैं, लेकिन हम फिलहाल पहला ऑप्शन यूज करेंगे। क्लिक करते हैं इस पे स्पेसिफाई हियर पर, और यहाँ पर आपको आपका 8 अंकों का जो एचएसएन कोड है वो आएगा। तो यहाँ पर जो 8 अंकों का एचएसएन कोड है उसे डालकर आगे बढ़िएगा। यहाँ पर डिस्क्रिप्शन डाल सकते हैं और यहाँ पे स्पेसिफाई कर लीजिए डिटेल को, टैक्सेबल रख करके यहाँ 12% लगा दीजिए और एंटर करके इसको एक्सेप्ट भी करा लीजिए। एंटर करते हुए नीचे आ जाइए और नीचे आने के बाद इसको एक्सेप्ट करा लीजिए। जब एक्सेप्ट करा लेंगे तो अब आपका काम हो गया। अब यहाँ पर वो चीज मैं आपको दिखाता हूँ, जैसे जब भी आप परचेज करेंगे, याद रखिएगा कभी भी परचेज अगर उधार में हो रही है, अब उधार कैसे पता कि उधार में हो रही है, तो पहले तो F9 प्रेस करके आ जाते हैं और यहाँ पर आपको सप्लायर से एक बिल मिलेगा जिसकी एंट्री यहाँ पे करनी है। तो यहाँ पर वो बिल का नंबर हमने डाल दिया, एंटर करेंगे वो डेट आ जाएगी जिस डेट पर परचेजिंग हो रही है। अब कई बार बच्चे क्या करते हैं, यहाँ पर F2 करके 1 अप्रैल करना चाहते हैं, तो 1 अप्रैल कहाँ से होगा भाई, आप अब यहाँ पे तो आएगा ही नहीं, वो डेट ही नहीं आएगी। कारण क्या है वो डेट ना आने का, 1 अप्रैल वाली डेट नहीं यहाँ पे आएगी। क्यों नहीं आएगी, क्योंकि हमने काम ही 1 मई से स्टार्ट किया है, फाइनेंशियल ईयर तो हमारा 1 अप्रैल से शुरू होता ही है, उसमें कोई डाउट तो है नहीं, लेकिन काम तो हमने 1 मई से स्टार्ट किया है, दैट्स व्हाई यहाँ पे ये चेंज नहीं होगा, ये ध्यान रखिएगा। अगर आप इसको चेंज करना चाहते हैं तो वो डेट पहले चेंज करनी पड़ेगी। तो फिलहाल हम यही रखते हैं, एंटर करते हैं। ध्यान दीजिएगा, अगर यहाँ पर किसी का नाम नहीं है, सीधा आप कैश का लेजर इंसर्ट कर रहे हैं, जो कि कैश का लेजर ये पहले से बना होता है, तो अगर आप कैश का लेजर इंसर्ट करेंगे तो ऐसी स्थिति में इसका मतलब ये निकलेगा कि आप परचेजिंग कैश में कर रहे हैं, ठीक है, और कैश में ही खरीद कर आप लाए हैं, बात ये निकलेगी, ठीक है ना। लेकिन अगर आप यहाँ पर लेजर लगाते हैं किसी भी पार्टी का, ठीक है, जैसे यहाँ पर मैं लिख देता हूँ सप्लायर पार्टी, सप्लायर 1 कर देते हैं, 2 कर देते हैं, ऐसे करके आते हैं, फिर नीचे आते हैं, यहाँ पर सन्ड्री क्रेडिटर आएगा। ग्रुप क्या रहता है, हमेशा सन्ड्री क्रेडिटर ही रहता है। एंटर करके आइए और एंटर करते हुए स्टेट वगैरह डालते हुए एक्सेप्ट करा लीजिए, फिर एंटर करके इसको भी एक्सेप्ट करा लीजिए। आप यहाँ पर आकर के एक्सेप्ट कराया, अब यहाँ पर आएगा परचेज का लेजर, तो यहाँ पे परचेज का लेजर बनाइए, ये हो गया परचेज अकाउंट, एंटर करिए, यहाँ पे पी प्रेस कीजिएगा तो परचेज अकाउंट वाले ग्रुप हाईलाइट हो जाएंगे। देखिए यहाँ पर एक प्रोविजन है, दूसरा परचेज अकाउंट है, तो हमें कहाँ जाना है, परचेज अकाउंट में, तो यहाँ पर जाकर के एंटर कर दीजिए, ये आ गया। अब एंटर करके आ जाइए नीचे, अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, एंटर करते हुए इसको एक्सेप्ट करवा लीजिएगा। अब यहाँ पर बनाना है स्टॉक आइटम, तो कई लोग ये भी कहते हैं कि स्टॉक आइटम यहाँ से नहीं, तो बन जाएगा, यहाँ से भी बन जाएगा, गेटवे ऑफ टैली से भी बन जाएगा, यहाँ से भी बन जाएगा। यहाँ से कैसे बनेगा, वही शॉर्टकट की अल्ट के साथ सी,
प्रेस कीजिए और यहाँ पर कोई एक स्टॉक आइटम हम ले लेते हैं, ठीक है। जैसे हम यहाँ पे ले लेते हैं लैपटॉप, ये हो गया लैपटॉप, एंटर किया, एंटर किया। यहाँ पर जैसे ही आते हैं ना तो आप चाहे तो अंडर बना सकते हैं, यहाँ पर देखिए अंडर दिया हुआ है प्राइमरी, तो आप इसमें बना सकते हैं इलेक्ट्रॉनिक्स का ग्रुप बना सकते हैं। कैसे बनेगा ग्रुप, यहाँ पर क्रिएट पे जाएंगे और जाकर के यहाँ लिख देंगे इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रॉनिक्स क्योंकि लैपटॉप आएगा इलेक्ट्रॉनिक्स में ही, एंटर करेंगे, एंटर करेंगे, इसको प्राइमरी के अंदर डालते हुए एंटर करते हुए एंटर करते हुए इसको एक्सेप्ट करा लेंगे। तो देखिए ये इलेक्ट्रॉनिक्स आ गया, यानी अंडर ये इलेक्ट्रॉनिक्स चला गया। अब लैपटॉप बिकेगा तो नंबर्स में बिकेगा, ऐसा नहीं है कि किलो के भाव बेचेंगे आप, ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पर एनओएस करके एंटर करिएगा और यहाँ पे नंबर्स फॉर्मल नेम आ ही जाता है, एंटर कर दीजिए और यहाँ पे एन जैसे ही प्रेस कीजिएगा तो नंबर्स आ जाएगा। और यहाँ पर लैपटॉप ढाई, डेढ़, पौने तीन, साढ़े चार ऐसे अमाउंट में नहीं बिकता है, लैपटॉप बिकेगा तो पूरा एक दो तीन बिकेगा। दैट्स वाई यहाँ पे नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस जीरो रखा है, ठीक है। तो ये हो गया, अब यहाँ पर क्या करना है, अल्टरनेट यूनिट हमें नहीं बनाना है, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़ते हुए इसको करा लेते हैं एक्सेप्ट। तो ये एक्सेप्ट हो गया। अब कितने अमाउंट में लैपटॉप हम लेके आए, तो 50 लैपटॉप लेके आए हैं, ठीक है। खरीद रेट क्या रही, तो खरीद रेट रही 22,000 रुपए, कितनी रही 22,000, तो यहाँ 22,000 डाल दिया तो टोटल अमाउंट दिया गया। अब यहाँ पर जीएसटी हमने ऑलरेडी चालू कर रखा है, लेकिन यहाँ पर जीएसटी के लेजर्स भी तो बनाने होंगे, बिना जीएसटी के लेजर्स के कैसे काम चलेगा। तो अल्ट सी करके जीएसटी के लेजर बनाइए, पहले बनाइए सी जीएसटी, एंटर कीजिए और इसका ग्रुप रहेगा हमेशा ड्यूटीज एंड टैक्सेस, क्या रहेगा ड्यूटीज एंड टैक्सेस, और यहाँ जीएसटी ही रहेगा और यहाँ रहेगा सी जीएसटी, ध्यान दीजिएगा यहाँ सी जीएसटी रहेगा, एंटर करिएगा और यहाँ नॉर्मल राउंडिंग रख के एंटर करते हुए इसको एक्सेप्ट करवा लीजिएगा। तो यहाँ पर ये आपका जीएसटी 12% के हिसाब से कैलकुलेट हो गया, लेकिन रुकिए सी जीएसटी के साथ एस जीएसटी भी लगता है, तो इस बात का बखूबी ध्यान दीजिएगा कि सी जीएसटी के साथ हमें एस जीएसटी भी लगाना है, तो अल्ट सी करके एस जीएसटी भी बना लीजिएगा, ठीक है। एंटर किया, एंटर किया, ड्यूटीज एंड टैक्सेस जीएसटी, और फिर देखिए ये एस जीएसटी एंटर करिए और यहाँ नॉर्मल राउंडिंग एंटर करते हुए इसको एक्सेप्ट करवा लीजिए। तो ये सी जीएसटी के साथ एस जीएसटी भी आ गया और यहाँ पर ये नो करते हुए एंटर करते हुए द गुड्स हैव बीन परचेज ऑन क्रेडिट, ये हो गया ऑन क्रेडिट, और एंटर करके इसको एक्सेप्ट करवा लीजिएगा। तो ये एक्सेप्ट हो जाएगा, जब एक्सेप्ट हो जाएगा तो ये बिल कैसा दिखेगा, बाहर आने के लिए एस्केप बटन और दो बार डी प्रेस करके यहाँ पर ये आप इसको ओपन करके अल्ट पी करके एंटर करिएगा और आई बटन प्रेस कर लीजिएगा, तो ये बिल भी आपको दिखेगा। तो देखिए ये आपका बिल है, इस तरीके से आपका बिल नजर आएगा, ठीक है। तो जब ये नजर आएगा तो इस तरीके से दिखेगा आपको, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि जो है परचेज तो हमने कर दिया और परचेज ही करने के बाद पेमेंट करना है, ये ध्यान रखिएगा। परचेज करने के बाद आपको रिसिप्ट वाउचर में एंट्री नहीं करनी है, परचेज ही करने के बाद आपको पेमेंट वाउचर में एंट्री करनी है, यानी परचेज जब भी करेंगे तो पेमेंट वाउचर में एंट्री पेमेंट करने के लिए, ठीक है। तो यहाँ से भी बटन प्रेस कीजिए गेटवे ऑफ सैली पे आने के बाद और F5 प्रेस कर लीजिए, F5 शॉर्टकट की होती है पेमेंट वाउचर की। हमारा सप्लायर पार्टी जो था उसका नाम क्या था, ये देखिए सप्लायर वन था, तो इसी का लेजर इंसर्ट कीजिए। कितना रुपए बकाया यहाँ पे आपको दिख जाएगा, 12,32,000 रुपए, यहाँ पे देखिए ये आ भी रहा है, यहाँ पे देखिए नीचे अमाउंट आ रहा है। तो अब यहाँ पर अगर हम अमाउंट डालते हैं तो हमने शुरुआत में पैसा रिसीव नहीं कराया था कंपनी में, तो यहाँ पर आएगा नेगेटिव कैश, क्या आएगा नेगेटिव कैश का मैसेज आएगा। तो यहाँ पे 12,00,000 रुपए भी अगर मैं यहाँ पे इनको देने की कोशिश करता हूँ यहाँ पे देखिए, लेकिन हमारे पास तो कैश है ही नहीं तो हम कैसे देंगे। तो यहाँ पर आएंगे तो ये अगेंस्ट रेफरेंस की विंडो अपने आप आ जाती है, एंटर करेंगे, एंटर करेंगे, यहाँ पर कैश जैसे ही करेंगे तो यहाँ पे ये देखिए पर आपको कैश करना है, सीजीएसटी नहीं करना है, तो यहाँ पे कैश लगाइए और कैश जैसे ही लगाएंगे तो देखिए 12,00,000 रुपए नेगेटिव में जा रहा है। नेगेटिव में क्यों जा रहा है, क्योंकि हमने कोई भी पैसा अपने कंपनी में कैपिटल रिसीव नहीं कराया, दैट्स व्हाई ये नेगेटिव में जा रहा है। एंटर करके देखिए यहाँ पे आ भी रहा है नेगेटिव कैश, लिखा है ना नेगेटिव कैश, देखिए यहाँ पे नेगेटिव कैश लिखा हुआ भी है, ठीक है। तो ये दिक्कत आपके साथ ना आए इसके लिए पहले रिसीव करा लीजिएगा फंड। कैसे रिसीव कराएंगे, वी बटन प्रेस करके, और कहाँ जाएंगे, हम जाएंगे रिसिप्ट वाउचर में और यहाँ पे क्रेडिट आ रहा है। तो देखिए कंपनी में लगाया जाने वाला फंड कैपिटल के नाम से जाना जाता है, ये क्वेश्चन इंटरव्यूज में पूछा जाता है, ठीक है। तो अल्ट सी करके यहाँ पे बना लीजिए, क्या बनाएंगे, तो कंपनी में लगाया जाने वाला फंड क्या कहलाता है, कैपिटल। तो यहाँ कैपिटल अकाउंट का एक लेजर बनाएंगे, खाता बनाएंगे, तो कैपिटल अकाउंट हो गया, एंटर करेंगे, इसका ग्रुप होगा कैपिटल अकाउंट, क्या होगा कैपिटल। तो सी प्रेस करते हैं, सी वाले सारे ग्रुप हाईलाइट हो जाएंगे, ये कैपिटल अकाउंट हो गया, एंटर करेंगे, एंटर करेंगे, एंटर करते हुए इसको करा लेंगे एक्सेप्ट, तो ये एक्सेप्ट हो जाएगा और बाकी यहाँ पर जो है कैपिटल जितना होगा वो यहाँ पे डाल देंगे, जो भी कैपिटल है, ठीक है। और इसे हम कैश में डाल रहे हैं, आप चाहे तो बैंक के थ्रू भी जा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर आएंगे तो यहाँ पे कैश हो गया, एंटर करके इसको एक्सेप्ट करा लीजिए। अब जब वही पेमेंट वाउचर में आप एंट्री पास करने की कोशिश करेंगे, देखिए बी बटन प्रेस करके F5 प्रेस करके आ जाएंगे पेमेंट वाउचर में। तो जब पेमेंट वाउचर में आएंगे और ये सप्लायर का लेजर लगाएंगे और अब आप कैश में देंगे पैसा,
तो यहां पर कोई भी नेगेटिव कैश नहीं आएगा। जैसे मान लीजिए 12 लाख रुपए ही दे रहे हैं, ठीक है, तो ये हो गया 12 लाख रुपए, ठीक है, एंटर करेंगे, ये अगेंस्ट रेफरेंस वाली विंडो तो आई जाती है। अब यहां पर कैश करना है, ठीक है, तो ये कैश किया, तो देखिए कोई भी नेगेटिव कैश का मैसेज नहीं आया और ये पैसा रिसीव भी हो गया। बाकी कितना बचा इनका, 32,000 रुपए और बकाया रह गया है और ये हमने सेम डेट पे दिया है। अब मान लीजिए 32,000 रुपए आपको किसी और डेट पे देना है, तो आप F2 प्रेस कीजिए और यहां से कर लीजिए डेट चेंज, ठीक है, और मान लीजिए कि यही चीज हम 2/8/2024 को दे रहे हैं, ठीक है, तो ये 2/8/2024 कर लिया। अब बाकी का 32,000 तो बाकी ही है ना, तो 32,000 रुपए हम इस डेट पे दे रहे हैं, किस डेट पे, 2 अगस्त को। अगर आप और भी आगे ले जाना चाहें तो F2 करके डेट चेंज कर लीजिएगा, यहाँ पे 1/10 कर देते हैं, तो यहाँ पे देखिए यहाँ पर ये चेंज हो गया, 1/10/2024 हो गया, तो अब 1 अक्टूबर को दिया जा रहा है यही पैसा, ठीक है। तो मान लीजिए इसमें से 10,000 हमने दिया, बाकी बकाया लगा दिया, तो ये हो गया, एंटर करेंगे, एक मिनट, ये 1,00,000 हो गया, यहाँ पर 10,000 देना है, ये हो गया 10,000, एंटर करेंगे, एंटर करेंगे, एंटर करते हुए आएंगे नीचे और यहाँ पर अगेंस्ट रेफरेंस की विंडो आती है, ठीक है, ये देखिए ये अगेंस्ट रेफरेंस, एक मिनट, यहाँ से बी बटन प्रेस किया और यहाँ पे लगाएंगे सप्लायर पार्टी का लेजर, तो इनका 32,000 बकाया है तो इनको 10,000 देना है, तो यहाँ से 10,000 दे देते हैं, ये 10,000 हो गया, एंटर करेंगे, एंटर करेंगे, एंटर करेंगे और एंटर करते हुए नीचे आ जाएंगे और इसको एक्सेप्ट करा लेंगे। अब कितना बचेगा इनका, देखिए ऊपर दिखा रहा है, यहाँ पे 22,000 रुपए बचा हुआ है, ठीक है, एंटर करके एक्सेप्ट करा लीजिए। तो यही तो तरीका है, ठीक है, उम्मीद करता हूं कि आपको अब एकदम 100% क्लियर हो जाएगा इस वीडियो से, और अगर फिर भी कोई परेशानी होती है तो कमेंट करके पूछिएगा, ठीक है ना। चले मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप वॉचिंग, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।